वेलकम बई यूट्यूब चैनल बिट्स ऑफ माई लाइफ होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट तो यस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये साया ब्रांड है उसकी कलेक्शन एक्चुअली मैं सदर गई थी तो वहाँ पे मैंने देखा था यहाँ पे सेल्स थी <laughs> ये वाले जो थे ये इन पे फ्लैट फिफ्टी परसेंट ऑफ था सारे इस तरह के जो ड्रेसेस थे मिक्स थे सारे तो एक्चुअली मैंने साया से कभी शॉपिंग नहीं की मैंने कभी यहाँ से कपड़े बाय नहीं किए बट ये है कि जब ये पहले पहले स्टार्ट में आया था आई थिंक सो एक दो साल पहले आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली बट मुझे याद है सेंटोरस में गई थी तो तब मैंने इनके कपड़ों की प्राइसेस देखी थी और मैं हैरान हो गई थी इतने एक्सट्रीम उनकी कम प्राइसेस थी मतलब टू पीस और थ्री पीस उनके एक्सट्रीम कम प्राइसेस में थे तो मुझे उस वक्त काफ़ी हैरत हुई थी बट अभी ये है कि ऑब्वियसली इन्फ्लेशन की वजह से सारी चीज़ों की मैं हमेशा बात करती हूँ कि प्राइसेस जो हैं इंक्रीज़ हुई हैं तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इनकी भी इंक्रीज़ हुई हैं बट स्टिल अभी जब इनकी सेल्स हैं तो सेल्स में इनकी प्राइसेस जो हैं वो अच्छी हैं टू पीस हैं इनके पास थ्री पीस की कलेक्शन है बीच में इनके दो आयल्स थे आई थिंक सो तो वो इनसे मैंने पूछा था तो वो उसमें नहीं थे सेल्स में नहीं थे वो शायद आगे आएंगे, बट ये है कि कपड़े इनके लुक वाइज जो है वो अच्छे थे तो अभी जैसे ईद आने वाली है तो आप अपनी शॉपिंग करके रख सकते हैं जिस इसमें से आपको जैसे भी पसंद आते हैं एक्चुअली इनमें प्रिंटेड भी थे टू पीस थ्री पीस इस तरह से भी थे उनकी लग्जरी कलेक्शन भी थी थोड़ी चिकनकारी के भी इनके पास ट्रेसिस थे मतलब ये है कि अगर आपने ईद के लिए कोई एम्ब्रॉयड या कोई इस टाइप के लुक वाला लेना है जो थोड़ा लॉन् से थोड़ा सा नॉर्मल लॉन् से प्रिंटेड से थोड़ा डिफरेंट लेना है तो आप एम्ब्रॉयडरी में भी ले सकते हैं तो इस तरह से आप अपनी शॉपिंग करके जो है वो अभी से क्योंकि अब तो ईद को बड़ी ईद को टाइम कम ही रह गया है तो आप अपनी शॉपिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑब्वियसली क्योंकि सेल्स में जो भी चीज़ आपको मिले तो इससे बेस्ट क्या है आजकल जैसे प्राइसेस भी हाई हुए हैं सारी चीज़ों की तो बेटर यही है कि अभी से सेल्स से आप शॉपिंग कर लें अगर आपको कुछ पसंद आता है क्योंकि हर एक की चॉइस डिफरेंट होती है जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि लाइम के ड्रेसेस बहुत लोगों का फेवरेट ब्रांड है जो लाइम है बट मैंने हमेशा क्योंकि मैंने बहुत से लोगों से सुना हुआ था और देखा हुआ था मैं ख़ुद भी जाके देखती रहती थी तो लोग बहुत पसंद करते थे लाइमलाइट के कपड़े जो हैं वो इकोनॉमिकल भी होते थे पहले और लोगों को पसंद आते थे तो हर कोई उसी की तरफ जाता था अच्छे भी लोगों को लगते थे बट ये है कि मैं आपको बताऊँ मैं जितनी बार भी गई हूँ मुझे लाइम लाइट पे कुछ अट्रैक्ट नहीं किया अनस्टिच्ड में मुझे कुछ अट्रैक्ट नहीं किया कभी भी नहीं किया मतलब स्टिच में मैं फिर देखती रहती थी जो उनकी प्रेड कलेक्शन होती थी मैंने देखे बट अनस्टिच में से मैंने कभी नहीं लिया ट्राउजर्स उनके लिए हैं ये नहीं कि मैंने उस ब्रांड से कभी शॉपिंग नहीं की बट उनकी जो अनस्टिच कलेक्शन है मुझे कभी भी नहीं पसंद आई तो बाकी लोगों को पसंद आती है लोग लेते हैं अच्छा फिर अभी जो मैं लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था ना लाइम लाइट पर जब मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी तब मुझे इनके एक दो प्रिंट्स जो हैं वो अच्छे लगे थे अच्छे प्रिंट्स थे एक कुछ प्रिंट्स थे जो मुझे वाकई में उस दिन जस्ट अट्रैक्ट किए थे बाकी मैंने कभी शॉपिंग वहाँ से अनस्टिच की नहीं की अब ये वाले जो कपड़े आप देख रहे हैं या आई थिंक सो आई एम नॉट श्योर टू पीस थे और ये प्रिंटेड थे मतलब ओवरऑल इनकी शर्ट भी प्रिंटेड थी और ट्राउज़र भी जो है वो प्रिंटेड था कुछ थे जो ओवरऑल थे कुछ ट्राउजर प्रिंटेड था बट डिफरेंट प्रिंट था और शर्ट का डिफरेंट प्रिंट था सेम uh, जो ओवरऑल सेम होते हैं वो नहीं थे इनकी प्राइसेस मोस्टली मैंने इनकी प्राइसेस देखी हैं ट्वेंटी सिक्स सेवेंटी ट्वेंटी सिक्स मतलब ट्वेंटी सेवन हंड्रेड तक आपको थ्री पीस तक मिल रहा था फिर ये वाले हैं ये थोड़े से प्राइस साइड पे हैं तो ये फोर थाउजेंड फाइव थाउजेंड इनकी ये प्राइसेस थी ये एम्ब्रॉयड्री वाले थे तो इनके जो uh, कपड़े का स्टफ़ होता है उसके बारे में श्योर नहीं हूँ कि वो कैसा होगा Uh, क्योंकि मैंने कभी यहाँ से शॉपिंग की नहीं है तो अगर आपने की है तो आपको आइडिया होगा कि कैसा इनका कपड़ा होता है बाक़ी ये है कि ईद को मैंने आपको पहले भी बताया आपको पता है टाइम कम रह गया तो ये बेस्ट टाइम है शॉपिंग करके आप अपने कपड़े टेलर्स को दे दें क्योंकि आपको भी पता है मैं भी जानती हूँ टेलर को जब आपने कपड़े देने हैं तो वो आराम से से बैठ के स्टिच करके देगा आपको इतनी जल्दी तो नहीं करेगा तो बेटर यही होता है कि अगर आप पहले दे दें क्योंकि एंड में जब आप देते हैं ना तो वो काफ़ी हसल बसल मची होती है और कपड़े कभी ख़राब भी हो जाते हैं प्रॉब्लम उनमें आ जाती है तो इतना टाइम हो कि आपने स्टिचिंग के लिए टेलर को दिया है तो इतना टाइम आपके पास हो कि अगर कोई थोड़ी सी फॉल्ट आ जाती है कोई ऑल्ट्रेशन वगैरह करवानी है तो आपके पास टाइम हो उसको सेट करवाने के लिए ठीक है फिर ये इनके स्टिच्ड कलेक्शन थी शर्ट्स थी शर्ट एंड ट्राउज़र्स भी थे तो मोस्टली इनकी ये वाली ये जो आपको अभी नज़र आ रही हैं ये शर्ट्स थी अच्छी प्राइस वाइज लुक वाइज अच्छी थी इनकी ये वाली शर्ट्स बाकी प्रिंटेड में भी थी एम्ब्रॉयड भी थी तो वो आप अपनी अब ये देखें ये कितने मज़े की इसकी लुक आ रही है ये शर्ट का प्रिंट कितने मज़े का है इसके साथ आप चाहे वाइट ट्राउज़र पहन लें साथ आप वाइट दुपट्टा तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह का लेकिन मैचिंग के साथ आप कंट्रास्ट करके पिंक के साथ मैच कर लें तो वो आप देखें बहुत मजे की समरी सी लुक बन जाती है तो समर्स में ये है कि ऐसे फ्रेश कूल कलर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं और तो मैं वाइट की फैन नहीं हूँ मैं फुल वाइट कभी ड्रेस नहीं पहनती ट्राउजर वाइट हो तो वो मेरे लिए चलता है बट फुल वाइट मैं प्रेफ़र नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं देखने में अच्छा लगता है अपने लिए नहीं मुझे अच्छा लगता अब ये डिज़ाइन मैं अपनी कज़न को बता रही थी उसको मैंने बताया था कि लेस लगा तो मैं कहती ऐसा मैंने तुम्हें डिज़ाइन बताया था ऐसा जो है वो बना सकती हो तुम तो।, तो आज मैंने आपके साथ ये कलेक्शन शेयर की है प्राइस ऑबियसली मैंने एक आइडिया दिया आपको ठीक है प्राइसिस आप जाके विजिट करके ख़ुद चेक कर सकते हैं नहीं तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं ठीक है सो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है सो ओके हाफ